डाठा वाला। डाठा वाला क्यों, नाम क्यों है मतलब? ये इंडिया में गांव था डाठा है, और एक महुआ गांव था, वहाँ से ये जो है ना हमारे दादा परदादा से काम हो रहा है। अच्छा, आप गुजराती बोलते हैं क्या? जी गुजराती। थोड़ा गुजराती मैं बोलूँ ना? शू बोलूँ, एक माणस मैंने पूछा तमें क्या ना, मैंने बोला डाटा ना, बोला तुम्हारा बाप नो नाम शू, मैंने बोला नूर मोहम्मद, बोला तमें तो हमारा काम ना सर। अच्छा, तो कितनी पुरानी है शॉप? थोड़ा इसमें आओ जो 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 समीर के विलोक्स, आओ जो 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 समीर के विलोक्स, आओ जो जो। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, छाला केम छो बदा महेश भाई, कैसे हैं? बजरंग बली, कैसे आप, सब ठीक है? अच्छा भाई, इस वक्त हमें कराची का एक बहुत ही पुराना ओल्ड सिटी एरिया है खारादर, और खारादर में हम इस वक्त मौजूद है। खारादर के एरिया को मतलब इस जगह को पुलिस चौकी भी कहा जाता है। यहाँ पे एक बड़ा फेमस जो है एक निम्को की शॉप है, एक जो है मिठाई की भी शॉप है, स्वीट्स एंड निम्को है, दाथा वाला स्वीट्स एंड निम्को। तो वहाँ पे हमें, और मैंने एक वीडियो देखी थी एक ब्लॉगर की, तो मैंने उसमें देखा था यहाँ पे जो फाफड़ा भी मिलता है, जलेबी वगैरह मिलती है, ढोकला भी मिलता है, तो उसके अलावा भी और भी गुजराती काफ़ी आइटम यहाँ पे मिलते हैं, पापड़ भी गुजराती डिफरेंट मिलते हैं, उड़द की दाल का जो पापड़ भी शायद यहाँ मिलता है। तो आज हम ट्राई करेंगे, मतलब पापड़ तो अब ज़ाहिर है वो तो यहाँ ट्राई नहीं कर सकते, लेकिन और उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे आपको भी दिखाएँ, तो और खुद भी खाएँ। तो फाफड़ा जलेबी जब जब माइंड में आता है तो जेठालाल ज़रूर जहन में आता है। जेठालाल को जो है, दिलीप सर को जब भी हम देखते हैं ड्रामे में, क्या हमारा बड़ा दिल करता था, जलेबी तो यहाँ मिलती थी इजीली, फाफड़ा का भी नहीं मिलता, मतलब पापड़ टाइप दूसरी चीज़ें मिलती, लेकिन एग्जैक्ट जो फाफड़ा जिस तरह उसमें देखते थे उस ड्रामे को देख के अभी भी हम ये महसूस करते हैं कि हम अभी बचपन में ही बचपन से उसको देखते आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है। लग रहा है आप क्या बोल रहे हैं ये? नहीं, मैंने सही बोला, लग रहा है कि हम भी मतलब बच्चों की तरह, जैसे बच्चे खुश होते हैं ना उनको देख के, हम भी खुश होते हैं बचपन से देखते आ रहे हैं। नहीं यार, मैं ये वो क्या बोलते हैं बापू जी, यार जेठिया कुछ भी तो ये कुछ भी यार। मैंने अभी ये कहा कि हमारे बच्चे शौक से देखते तो हम भी उनके साथ बैठ के बच्चों की तरह ही देखते, बचपन याद आ जाता है। बहरहाल वो भाई नीचे ना कर रहे, दुकान बंद कर रहे, पता नहीं। तो भाई चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इनके पास हैं, और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियोज हमारी अच्छी लग रही है। हम कोशिश करें कुछ डिफरेंट, कुछ अलग अलग टाइप की चीज़ें आप लोग के लिए लाएँ, ताकि आप लोग को और अच्छा मतलब कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिले, स्पेशली जो हमारे इंडियन व्यूवर्स हैं उनके लिए हमारा ज़्यादा कोशिश होती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तादाद ही होती है। और पाकिस्तानी हमारे सब्सक्राइबर तो काफ़ी कमेंट्स बहुत कम करते हैं, कंजूसी करते हैं, तो भाई कमेंट्स करके आप भी बताओ कि आप लोग भी हमारे सपोर्ट में हमेशा हैं। बिल्कुल, आइए शॉप पे चले चलते हैं भाई, पहले अभी भूख को मिटाएं। से बोल रहे हैं आ जाओ, पर कितना भूख को मिटाएं, भूख को वो देखो। जी कौन कौन से गुजराती आइटम है आपके पास? हमारे पास एक खस्ता पूड़ी होती है, और हमारे पास ढोकरा होता है, और हमारे पास जो है ना केसरी पेड़े होते हैं, लेकिन ढोकला नहीं है अभी, ढोकला अभी तैयार नहीं है। अच्छा, फाफड़ा जलेबी भी होती है? फाफड़ा होता है, फाफड़ा होता है हमारे पास, और पापड़ी गाठिया लंबा वाले होते हैं, फुला और गाठिया होते हैं, और हमारे पास भवनगरी गाठिया होता है। सही, तो फाफड़ा जलेबी खा ले, क्या कह रहे हैं? जेठालाल के लिए वैसे फेमस है काफी, एक ड्रामा चलता है ना उसमें बहुत ज्यादा खाते हैं। अच्छा, तो और कुछ और थोड़ी थोड़ी मिठाई हमें दे दे, ताकि हम दे देंगे इंशाल्लाह। अंडे, अंडे का मेसूब है हमारे पास, और जो है ना हमारे पास गुजराती आइटम ज्यादा है, गुजराती है आइटम है। अच्छा, ये कौन कौन सी चीज़ है? थोड़ा सा वाला क्या चीज़ है? ये जो है अंडे का मे वो है, क्या बोलते हैं इसके, केसरी पेड़े। अच्छा, और ये वाला, ये जो है वो है, क्या बोलते हैं इसके, छल्ले लावली, गुड़ पापड़ी, गुड़ पापड़ी, और ये वाली, ये अंडे की मेसूब। अच्छा, सही, उड़दिया भी तैयार, डाठा वाला। डाठा वाला क्यों, नाम क्यों है मतलब? ये इंडिया में गांव था डाठा है, और एक महुआ गांव था, वहाँ से ये जो है ना हमारे दादा परदादा से काम हो रहा है। अच्छा, आप गुजराती बोलते हैं क्या? जी गुजराती। थोड़ा गुजराती मैं बोलूँ ना? शू बोलूँ, एक माणस मैंने पूछा तमें क्या ना, मैंने बोला डाठा ना, बोला तुम्हारा बाप नो नाम शू, मैंने बोला नूर मोहम्मद, बोला तमें तो हमारा काम ना सर। अच्छा,
अच्छा, तो कितनी पुरानी है शॉप थोड़ा इसमें गुजराती में बताया? हाँ तो बहुत जूनी से, तकरीबन कम से कम 50 वर्ष से पहले नहीं से। 50 वर्ष? जी हाँ। अच्छा, और कुछ बताएं शॉप के बारे में? शॉप में असल हमारा माल जो है ना बहुत खस्ता से ना बहुत बेहतरीन फाइन माल से ना हमारे दूर दूर जाए से बाहर मुल्कों में जाए से। अच्छा, लोकेशन क्या है? केम छे? केम बोले क्या बोले? हाँ केम छे। लोकेशन? लोकेशन माशाल्लाह बेहतरीन। नहीं नहीं, ये लोकेशन कौन सी है? हाँ से पुलिस चौकी ना खड़ाधर मुसलमान ने बीच में से हमारी डाटा वाले की दुकान। तो पुलिस चौकी से होता हुआ है बंदा? हाँ पुलिस चौकी से आ भी जाए। पुलिस तो नहीं रोकेगी? नहीं 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 रोके। चले बहुत शुक्रिया। आप ढोकला हमारे लिए नेक्स्ट टाइम आपने जरूर रखना है। मिल जाते हैं इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि हमें जो है फाफड़ा दे दें, बाकी जलेबी हम फिर कहीं और से ले लेते हैं। फाफड़ा दिखा भी दें जरा। फाफड़ा का क्या? अच्छा ये इस तरह होता है? वो तो पतला वाला एक होता है, वो इसी तरह यही होता है? यही होता है पतला। अच्छा अच्छा भाई, तो मिठाई ये जो ट्राई करते तो ये प्योर कह रहे हैं ना गुजराती लोग ज्यादा खाते हैं, ये क्या चीज थी? केसरी पेड़ा। तो भाई ये है केसरी पेड़ा, तो हाफ हाफ कर लें आप भी, थोड़ा ट्राई कर लें। पेड़ा तो हमारा घोटकी का भी मशहूर है, तो आज ये पेड़ा खा के देखते। केसरी पेड़ा भाई वाकई टेस्ट तो अच्छा है और सॉफ्ट है, काफ़ी फ्रेश है, जैसे लग रहा है कि ताज़ा बनाया हुआ है। और इस वक्त हम जैसे कि एरिया में बताया कि ये खारादर बोलते हैं, मीठा दर खारादर ये तो भाई खारादर का एरिया है। और यहाँ पे जो है गुजराती कम्युनिटी, मेमन कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे रहती है, और मोस्टली जो है काठियावाड़ जो है गुजरात के डिफरेंट पार्ट से, राजकोट हो गया, उसके अलावा जामनगर हो गया, दाथावाला, जैसे इनकी शॉप का भी नाम दाथावाला है, तो मतलब दाता वैसे बेसिकली दाथावाला, मतलब वहाँ के जो लोग होते तो वाला लगा देते तो दाता से, तो इस तरह काफ़ी मतलब यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है गुजराती कम्युनिटी रहती है। और इस एरिया में जल्दी फूड के हवाले से यहाँ पे बहुत सी आपको चीज़ें ऐसी ऐसी मिलेंगी जो पूरे कराची के दूसरे पार्ट्स में नहीं मिलती, जैसे मालपुरा जो है वो भी यहाँ पे बहुत मतलब यहाँ पे काफ़ी शॉप्स हैं, वो भी मिलता है। और भी इसके अलावा अच्छा एक और भी यहाँ पे शॉप है राजकोट जो है निम्को के नाम से, वहाँ भी कभी विजिट करेंगे। पीछे भी एक शॉप है, ये पीछे देख सकते हैं जो है कुतियाना के नाम से, कुतियाना भी शायद वहाँ के गुजरात के ही मतलब वहाँ से माइग्रेटेड लोग उन्हीं की जो है सर ने दाल, ये इस मार्केट में जब भी आते हैं ना तो इतने आइटम देख के दिल। ये क्या चीज़ है सब्जी? ये गुड़ पापड़ी। गुड़ पापड़ी ये भी गुजराती आइटम है? तो भाई ये गुड़ पापड़ी है, आप बताइएगा कि यह वहाँ वाकई है नहीं है आइटम ये? वो हाँ है, इसे पूरा गुड़ ही डाल दिया। ये तो अच्छी है यार, ये वो ना तो लगे शादी का आगे मुझे को खाना ही ना गोटा के एक हमारे वहाँ बनती है वो शादी दूल्हे को खिलाते हैं इस तरह की चीज़ें, जो बादाम पिस्ता वगैरह सब ना। तो वैसा थोड़ा लग रहा है। अच्छा ये क्या चीज़ है सर जी? क्या चीज़ है? अंडे का मैसूर। तो अंडे का मैसूर है भाई ये, तो ये भी ट्राई करते हैं। ये भी ज़बरदस्त है। और बाकी है कि हम अभी जाएंगे किसी चाय के होटल पे बैठेंगे, पहले तो जलेबी लेनी है, इनके पास जलेबी अवेलेबल नहीं है, बाकी फाफड़ा हमने ले लिया है, तो जलेबी के साथ फाफड़ा और फिर चाय भी पी लेंगे। तो बस उम्मीद करते हैं ये हमारी जो है वीडियो भी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। मिठाई तो बहुत ज़बरदस्त है, पेड़े के लिए तो मेरा दिल कर रहा है कि यार ये घर के लिए भी ली जाए। क्या ख्याल है? नहीं नहीं पेड़ा बहुत अच्छा भी था, और ये चीज़ खास करके गुड़ की मिठाई, हाँ ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगी। तो स्पेशली दूल्हे के लिए तो बहुत अच्छी है, तो घर पे लोग नहीं दूल्हे के लिए हो ना, आम पब्लिक के लिए भी अच्छी है, जो कम मतलब वो गुड़ खाते हैं शौकीन होंगे ना। और ये गांठिया भी आ गए हैं, ये गांठिया है भाई जो तो कुरकुरे जैसे लग रहे हैं, इसमें रखो साइड में पकड़ो देखो। और मीठे के बाद थोड़ा गांठिया नमकीन, हालांकि पहले नमकीन खाते हैं फिर मीठा होता है। कस्ता कस्ता यह है। तो भाई ये गाठिया आप भी खा रहे हैं, तो हमें पता आप लोग के मुंह में पानी ज़रूर आ रहा होगा, तो बाकी जो कराची में रहते हैं तो ज़रूर यहाँ विज़िट कीजिएगा। पुलिस चौकी जो है यहाँ पे खारादर में उसी के पास ही है, और दाथावाला निम्को के नाम से, दाथावाला स्वीट्स एंड निम्को बहुत मशहूर दुकान है,
आइए। मैंने भी एक ब्लॉगर का जो ब्लॉग देखा था, तो उस वजह से मैंने कहा गुजराती आइटम तो ट्राई किए जाए। तो और जलेबी पापड़ा भाई जेठालाल स्पेशल, तो वो तो फिर ट्राई करना तो बनता है ना भाई। एक दफा चक्कर लाजमी लगाइएगा और यहाँ खाने का मतलब खड़े होके खाने का मज़ा ही अलग आ रहा है। तो बस हम आपको अब मिलेंगे आगे जाके किसी होटल पे बैठेंगे। पहले तो रास्ते में से हम कहीं से जलेबी लेंगे, उसके बाद किसी होटल पे बैठ के सुकून से फिर हम जो है जलेबी पापड़ा खाएंगे, उसके बाद चाय भी पियेंगे। तो बस इसी तरह आपके लिए बताइएगा टाइम टू टाइम, बीच बीच में फूड ब्लॉग भी, लेकिन कोशिश ज़्यादातर हमारी है कि हमारे जैसे इंडियन व्यूवर्स ज़्यादा है, तो इसलिए हम गुजराती और इंडियन फूड, साउथ इंडियन मतलब इस तरह का फूड ज़्यादा ढूंढते हैं। एज इट इज़ वो चीज़ तो नहीं होगी जो वहाँ पे मिलता है, लेकिन ज़ाहिर है ज़रूर। और एक चीज़ ये कि उनके चक्कर में हमें बहुत कुछ मिल गया है यहाँ खाने के लिए, हालांकि गुजराती चीज़ें हम नहीं खाते थे। नहीं नहीं अच्छी चीज़ें, और ये हम आगे भी जो है ज़रूर लेंगे। अभी तो वीडियो में थोड़ा बहुत हमने टेस्ट किया, लेकिन अभी पूरा बॉक्स हो सकता है कि हम ले। तो बस आगे आपसे मिलते हैं, हम जलेबी लेते हैं, उसके बाद फिर होटल पे कहीं बैठ के फिर जो है जलेबी फाफड़ा जो है एंजॉय करेंगे। ये भी गुजराती आइटम है। ये कौन सा पापड़ है? उड़द का, उड़द की दाल जो होती है, तो उड़द की दाल जो होती है उसका जो है पापड़। और ये चावल के आटे के, भाई चावल के आटे के जो है पापड़ है। ये भी गुजराती आइटम है भाई, काफ़ी काम की चीज़ें हैं। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ से हम काफ़ी चीज़ें लेके जाएंगे, तो बहुत ज़बरदस्त मतलब ये बगे नाम के हैं, मतलब ये अपने यहाँ बनती है। ये उड़द की दाल मैंने कभी नहीं देखी थी, लेकिन आज फर्स्ट टाइम उड़द की दाल का पापड़। जो हम जो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा का मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ ड्रामे का, और एक एक एपिसोड मैंने 50-50 बार रिपीट पर देखा। तो उसमें माधवी भाभी जो है उड़द की दाल के जो पापड़ बनाती है, तो हसरत होती थी हमारी कि यार कभी हमें भी मौका मिले, कभी हमें भी मौका मिले खाने को। तो आज फाइनली ले लिया है। अभी आस्ता आस्ता सारी चीज़ें निकल रही है। क्या चीज़ है ये? छातले। ये छातले ये भी फ्राई होते हैं। ये फ्राई होते हैं। ये क्या मीठे होते हैं, नमकीन होते हैं? कैसे होते हैं? नमकीन होते हैं। तो भाई नमकीन होते हैं छातले, ये भी गुजराती आइटम ही है। सही सही। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है और काम की चीज़ें जो है, अगर हम 5 मिनट खड़े रहे ना ज़्यादा, ये दुकान के अंदर एक एक चीज़ आती रहेगी बाहर, तो इस वजह से अभी काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्योंकि यार डेली रूटीन में तो हम काफ़ी चीज़ें खाते रहे, लेकिन कुछ डिफरेंट होना चाहिए लाइफ में। बहरहाल इस दुकान पर आके बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। देख सकते हैं आप काफ़ी पापड़ वगैरह की वैरायटी है। ये कौन से पापड़ है? ब्लैक पेपर माश पापड़ है, उसके अलावा ये दूसरा पापड़ है, और इसे हिंदी में भी कुछ लिखा हुआ है। ये देख हिंदी में लिखा हो, मद्रास एंड बेंगलोर पापड़ वर्क्स। अच्छा, तो ये आप पढ़ सकते हैं मद्रास एंड बेंगलोर पापड़ वर्क्स जनरल ऑर्डर सप्लाई। तो ये पापड़ देख सकते हैं। इसके अलावा ये वाले हरा मसाला पापड़ हैदराबादी पापड़ लिखा हुआ है। उसके अलावा हरा मसाला स्पेशल पापड़, तो काफ़ी इस तरह के पापड़ की वैरायटी है। कचौड़ी पापड़, तो ये कचौड़ी पापड़ भी है, छोटे से हैं ये तो बिल्कुल ही। और काफ़ी इनके पास चीज़ें हैं, ये जो फ्राई करने के बच्चों के हिसाब से हम जब छोटे होते थे तो इस तरह के, या ये कलरफुल हम चीज़ें बहुत खाते थे, तो वो सब भी हैं। ये क्या चीज़? हरी मिर्चें भी हैं इसमें। अच्छा फ्रेंड, हम लोग अभी इस वक्त है रंचो लाइन का एरिया, और यहाँ पे मारवाड़ी लेन है, यहाँ पे एक बड़ा पुराना होटल है जिसका नाम है लखपति होटल, वहाँ पे हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं। और क्या नाम है, यहाँ पे जो है कटिंग चाय मिलती है बड़ी फेमस, जो वो ग्लास जो एक होता है छोटा सा, जो कटिंग चाय वन एंड ओनली होटल है कराची में जहाँ पे ये मिलती है, वरना नॉर्मल। आपने नोट किया कभी इनके ग्लास में जो है ना निशान लगे होते हैं? हाँ, पता नहीं क्यों गुम हो जाते होंगे। लकी ग्लास भी होगा ना इसमें, कोई शायद मिल जाएगा। बहरहाल तो हमने जो है रास्ते में जलेबी भी ले ली थी, पहले हम जलेबी फाफड़ा को जो है उसको खा लेंगे, उसके बाद फिर जो है हम अपना क्या नाम है चाय पी लेंगे, कटिंग चाय पी लेंगे। थोड़ा सा एरिया भी दिखा देता हूँ, अभी रात के टाइम में वैसे तो चहल पहल फिर भी होती है, क्योंकि ये एरिया ऐसा है कि पूरी रात ही मतलब समझ लो यहाँ पर रौनक रहती है और आना जाना रहता है। और सामने बादामी मस्जिद के नाम से एक फेमस मॉस्क भी है यहाँ पर। तो भाई अब जलेबी फाफड़ा ट्राई करते हैं फाइनली। अच्छा, रास्ते में अभी आते हुए हमें एक और शॉप नज़र आई यहाँ पे इस एरिया में सामने गली में, जहाँ पे ताज़ा जो है फाफड़ा बनाया जाता है। ये फाफड़ा थोड़ी देर पहले उन्होंने बना के पैक किया हुआ था,
लेकिन वहाँ पे अभी ताज़ा ताज़ा पापड़ा बनाया जा रहा, तो हमने सोचा कि चलो कभी वहाँ से भी ट्राई कर लेंगे, उस शॉप को भी दिखा देंगे। तो कहने का मकसद है कि यहाँ काफ़ी चीज़ें हैं, हिडन चीज़ें ऐसी हैं गुजराती आइटम जो कि नॉर्मली हमें नहीं पता हर बंदे को, लेकिन मिल रहे हैं। तो मैं हैरान हो गया यार, एक और शॉप यहाँ पे नज़र आया हमें, फ्रेश फ्रेश। तो बस स्टार्ट करते हैं। ये हमारी जलेबी, जलेबी भाई, तो इस तरह की जो होती है जलेबी, फाफड़ा, और ये फाफड़ा हमारा कड़ो टुकड़ों के, तो ये है फाफड़ा, यहाँ इस तरह का ही फाफड़ा होता है। अब मुझे नहीं पता वहाँ पे जेठालाल तो मेरे ख्याल इसी तरह के ही खा रहे होते हैं जो पकड़ो। वैसे मुझे जलेबी कम पसंद है, लेकिन यार अच्छी लग रही है पापड़ा के साथ, तो टेस्ट अच्छा लग रहा है। क्या ख्याल है मेरे राज्य गुजराती मजा दे गई अभी तो ये तो मतलब वो है गुजराती डिशेज हम ट्राई करना चाह रहे हैं। सुना है हमने कराची में कहीं ढोकला भी मिलता था, उस शॉप पे तो नहीं था लेकिन उसके अलावा भी कहीं मिलता है, तो वो कभी कोशिश करेंगे। उसके अलावा उंधियो, उंधियो जो होती है मिक्स सब्जी, खाई है आपने कभी इंडिया में उंधियो? तो मिक्स सब्जी जो होती है वो कभी देखेंगे कहीं अगर मिलता है उंधियो तो, क्योंकि हमें तो यार इंटरेस्ट इसलिए भी होता है कि हम चाहते हैं नई नई चीज़ें ट्राई की जाए, क्योंकि लाइफ में हम जो खाते हैं वो कहने का ये है कि हम ये इंट्रोड्यूस कराएं कि कराची में सब कुछ मिलता है, तो कुछ लोग कहना है कि ढूंढना पड़ता है, क्योंकि हर बंदा जहाज नहीं खा रहा हो जाए। पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं काफ़ी रेस्टोरेंट लगा हुआ है, तो मुझे तो काफ़ी ज़बरदस्त लगा। फाफड़ा थोड़ा थिक है, और आप लोग बताइएगा आपके यहाँ जो फाफड़ा मिलता है किस तरह का होता है, और ये भी कमेंट करके बताया कि आप वो शॉप भी छोटी सी एक शॉप है जहाँ पे फ्रेश बनाया जा रहा था, तो वो भी आप देखना चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे अपकमिंग किसी वीडियो में हम आपको वो भी शॉप दिखा देंगे। तो महेश भाई क्या ख्याल है अभी चाय का, बोलते हैं भाई को चाय का, बोलते चाय जो चाहिए चलो। तो भाई चाय हम मंगा लेते हैं अपनी। अच्छा फ्रेंड, ये जो मारवाड़ी लेन का एरिया है ये मुझे थोड़ा सा लगता है अक्सर फिल्मों में हम देखते ना भिंडी बाजार मुंबई का, तो ये थोड़ा सा गेमा गेमिंग, गेमा गेमिंग एरिया में भी उस तरह थोड़ा सा माहौल हमें लगता है भिंडी बाजार वाला। तो बस कभी कभी इन इलाकों में आके ऐसा लगता है कि पब्लिक इतनी है कराची में एक साथ जमी हुई। अभी भी आप देखें ना पिछले वाला से आपने कौशमी ने दिखाया, लोग चलते जा रहे हैं, हर कोई अपने अपने कामों में बिजी, कोई किसी को देखने वाला नहीं। ये रामस्वामी और रामचरण की अच्छी खुशी बात है। असल में हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे अभी कुछ सिटीज़ में हमने विज़िट किया, मौसम भी अच्छा था, सब कुछ था, हमने वो भी कोशिश की और ख़र्चा भी काफ़ी हुआ, व्यूज़ लिमिटेड आए, थोड़े कम आए, लेकिन खैर है क्योंकि आपको पता है कि बंदा ये कटिंग जो है हमारी आ चुकी है, तो ख़र्चा काफ़ी किया लेकिन इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए इतना कि रिकवर हम कर सकते। तो लेकिन खैर है अभी ये कि गर्मियाँ वैसे भी आ गई, लेकिन कराची सिटी में भी हम कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें। हाँ सही है, फर्स्ट क्लास चाय है, नहीं। और ये इसमें गुड़ डालते हैं मेरे ख्याल में, ये चीनी गुड़ नहीं वाली चाय होती है, गुड़ वाली होती है, इसमें जो है मलाई भी मार के, ये देखे ये देखे ये देखे इसका, इस तरह की चाय मुझे नहीं लगता है कराची में कहीं भी मिलती है दावे के साथ। और स्टाइल वही मुंबई वाला है, क्योंकि वरना नॉर्मल यहाँ कप में मिलती है लेकिन यहाँ इसमें वो एक फिल्म नहीं थी उसकी अभिषेक बच्चन की जिसमें कवा बिरयानी वाला कहते हैं वो आता है ना कप में चाय पीता है वो इसी कप में ऐसी कप ही होता है। हाँ वो क्या बोलता है छोटी गंगा बोल के ससुरा नाले में कुदा दिया दाल उस फिल्म के डायलॉग भी नंबर वन। वैसे क्या ख्याल दिल्ली आप भी गए हो काफ़ी, कैसा रहा था माहौल कैसा? हाँ दिल्ली मुझे बहुत पसंद आया, साफ सुथरा माहौल, मतलब लोग भी बहुत प्यारे थे। अच्छा एक इनकी जो है एक स्टोरी है, अब मैं पूरी डिटेल नहीं बोल रहा हूँ, कभी उसके बारे में आपसे पूछना चाहिए हमें। नहीं मैं बताना भी चाहूँगा। हाँ यूपी में कहाँ से बांदा, बांदा शिकारपुर का लड़का और बांदा की लड़की देख रहे हो भैया जी शर्मा गए। बहरहाल कभी और आप बताइएगा कमेंट करके कि आप ये स्टोरी सुनना चाहेंगे महेश भाई की जो प्रेम कहानी, हमारी अधूरी प्रेम कहानी तो सुनाएंगे, ज़रूर सुनाएंगे, मज़ा आएगा आपको सुन के। बहरहाल ये कि वो कमेंट करके आप बताइएगा। उस कहानी में जो है ना एक रत्ती भर भी झूठ नहीं होगा, वो आपको सुनाएंगे। बहरहाल हम अपनी ये जो कटिंग चाय ख़त्म करते हैं और जलेबी पापड़ा काफ़ी खा लिया है, थोड़ा सा और है वो भी खा के फिर हम फिनिश करके
इस व्लॉग को हम कहते हैं कि यहीं एंड करें, क्या ख्याल है? बस अब एंड करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, नहीं लगा है तो यार और अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ें आगे लाने की कोशिश करेंगे। बस सपोर्ट करते रहें चैनल को, अगर सब्सक्राइब नहीं किया, मैं अक्सर भूल जाता हूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्या नाम है, अगर हमें बात करना चाह रहे हैं आप, कुछ कमेंट, कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, यहाँ पे भी कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है samir_22। महेश भाई की आईडी है पंजाबी महेश 777। चलें बस, कीप सपोर्टिंग समीर के व्लॉग्स, टेक केयर, बाय बाय। आओ जो जो जो